मॉर्निंग मनोज अंकल. हेलो बेटा, आप रात भर जागे होगे, नाश्ता कर लो. तुम्हारा दिमाग खराब है, हम क्यों जागेंगे सारी रात. सब रिकॉर्डिंग पर छोड़कर आराम से सो गए थे, एसी चला कर. अरे सुबह सुबह रो क्यों रही आंटी जी. अब आपके वो इंस्पेक्टर कांडे है ना, उन्होंने मिर्ची का हलवा भेजा था. बाप रे बाप, अभी बताइए उसमें क्या है. वेरी गुड. आप लोग रात भर एसी चला के सो गए. हाँ. आप लोगों ने ये नहीं देखा कि इसके अंदर रिकॉर्ड क्या हो रहा है. अरे तो तुम आ गए ना सेंसर करने, भाई दिखा दो इन्हें, कहीं इनके हमाम की खिड़की कुछ ज्यादा ही खुली ना रह गई हो रात में. अब बैठ के सारी रात की रिकॉर्डिंग चेक करेंगे. अरे फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दो ना, फास्ट फास्ट करके. अरे यार रुको 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 रुको, ये तो वही है परसों. रुकना. ये सुनो, अपने घर की ज्वेलरी चेक करा लो, कहीं कल रात सब लुट ना गई हो. आगे बढ़ाओ. हाँ 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 हाँ. रुकना रुकना, इसमें स्पेस में कुछ दिख नहीं रहा. इसको कुछ, इसको थोड़ा नीरज थोड़ा ब्राइट करो. हाँ ब्राइट करो. नीरज साउंड दो. राहुल इतनी देर हो गई तुम्हें. ये तो गुप्ता जी का लड़का है. एक दिन मैं डेफिनेटली फंसने वाला हूँ. किसी ने मुझे देख लिया ना, तुम्हारे घर वाले तो मुझे मार ही डालेंगे. राहुल कम ऑन, एक ही दिन की तो बात है, कल तक तो हम लोग भाग चुके होंगे. हाँ जैसे हम लोग परसों भागने वाले थे, ऑलमोस्ट पकड़े गए थे. किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना. नहीं बाबा, सब लोग नीचे आंगन में बैठे थे, वो लाइट जो चली गई थी ना. अच्छा सुनो, मैंने दो टिकट ले ली, पर पैसों का क्या करेंगे. राहुल मैंने 50,000 का इंतजाम कर लिया है, डोंट वरी. ग्रेट. काश कि हमें यूं भाग कर नहीं जाना पड़ता. राहुल हमारे घर वाले हमारी शादी कभी नहीं करवाते. हाँ बाबा, बड़े घर की बेटी जो हो तुम. प्यार भी तो करती हो तुमसे. I love you. I love it too. अबे साले हरामी. अरे साहब. मनोज ये क्या हुआ मनोज. अरे कुछ नहीं. मनोज अरे मनोज. क्या हुआ चाचा. बैठ. शादी के लिए हाँ क्यों तूने? मैंने कहा कि वो तो सब कुछ आप लोगों ने तय कर दिया. हम लोग ने? हाँ हम लोग ने जबरदस्ती की तरह साथ. तू ही मारा पीटा? मारा पीटा नहीं, लेकिन कितनी बार कहा मैंने मुझे शादी नहीं करनी. कहती रही. तुझे बोलना चाहिए था मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है, मुझे दूसरे लड़के से शादी करनी है. अभी आपसे कैसे पता चलेगा हमें? कहा था मैंने. किसको कहा था? मम्मी पापा को. क्या कहा था? उन्होंने बोला मुझे कि हम तेरी शादी वहाँ नहीं करा सकते, या तो सुखी ना हो. लेकिन उन्हें क्या पता मेरा सुख किस चीज में है. मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता. चाचू अब आपको कोई कुछ कहाँ बताता है. वैसे भी आपको इस घर में कौन सीरियसली लेता है. तो ये क्या बात हुई? भाग नहीं था तो तूने शादी का नाटक क्यों रचाया? घर वालों की इज्जत करने सोचा तूने? देख अभी शादी के सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता है. अगर हफ्ता 10 दिन भी होता ना तो मैं भैया अभी से बात कर सकता था, लेकिन अभी तो लड़के घर वालों को मना नहीं कर सकते. इतनी दूर से लोग आ गए, सारे इंतजाम हो गए, इनविटेशन चले गए. अभी क्या बोले लोगों को, इनविटेशन वापस दो, हमें दूल्हे का नाम चेंज करना है. मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी चाचू. बेटा क्या होता है ये प्यार व्यार. हाँ देख बाकी लोगों को देख, शादी के 1 साल बाद सब खत्म हो जाता है,
सब एक से हो जाते हैं। ऋषभ चाचा रेखा चाची को देख, लव मैरिज की थी ना, हाँ अभी एक दूसरे खून के पैसे हैं। लव मैरिज हो ना हो, सब प्यार से ही शुरू करते हैं, बाद में सब खत्म हो जाता है, बच्चे कच्चे घर बार ये सब। चाचू मेरा प्यार वैसा नहीं है। तेरा प्यार कोई अनोखा है? सब ऐसे ही बोलते हैं। और तू देखना कितनी खुश रहेगी उसके साथ। मैं मिला हूँ उस लड़के से, बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी जोड़ी, एकदम अमीर खान लगता है वो, और तू भी उसके साथ कोई हीरोइन जैसी लगती है। तूने देखी थी पिक्चर? देखी थी कयामत से कयामत तक? देखी थी ना, हाँ कितने अच्छे लग रहे दोनों, याद है? चाचू लेकिन उसमें भी तुम दोनों ने अपने प्यार के खातिर जान दे दी थी ना, कहाँ करने दी थी उनके घर वालों। अरे बहस पे बहस करती है तू खाली बस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सोचता हूँ, कुछ मैं कुछ करता हूँ, लेकिन भागने का प्लान एकदम कैंसिल। हाँ क्या नाम क्या है इस लड़के का? राहुल। राहुल साहब शाहरुख खान की पिक्चर देख के आते हैं, फिर औलाद पैदा करते हैं, फिर उसकी फिल्मों के हीरो के नाम रख देते हैं, ये नहीं सोचते इनकी औलाद बड़ी होकर मजनू की बाप निकलेगी। चाचू he was born much before शाहरुख film। तेरी ये आदत बहुत गंदी है, तू बहस पे बहस करती है। उन दोनों ने भी अपने प्यार के खातिर जान दे दी थी ना, कहाँ करने दी थी उनके घर वालों ने उनको शादी। अरे बहस पे बहस कर। वेरी ड्रामेटिक, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। ऑफ नो यूज एट ऑल। लड़की जिसकी 2 दिन के बाद शादी होने वाली है किसी और के प्यार में, नहीं नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन वो है, ऑडियंस इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक तो प्यार, ऊपर से ये लड़की अपने प्रेमी के साथ भागने तक को तैयार है। No ways. The audience are going to reject it outright, which means no TRPs. और TRPs नहीं होंगी तो शो नहीं होगा। लेकिन इस तरह की बहुत सारी फिल्में हिट हुई हैं, जहाँ हीरोइन किसी और के साथ प्यार करती है और उसके घर वाले उसकी शादी किसी और के साथ तय कर देते हैं, और फिर हीरो और हीरोइन दोनों भाग जाते हैं। For your kind information, ये कोई लव स्टोरी नहीं बन रही है यहाँ पर। इस शो की हीरोइन है शादी, करेक्ट? ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट शो है मैडम, यू नो डोंट गिव देम द रॉन्ग आइडियाज बिकॉज़ दे गोना हेट यू एंड योर शो। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप एक लव स्टोरी बनाना चाहते हैं, है आपके पास ऐसा कोई सीन जहां पर हीरो हीरोइन से पहली बार मिलता है? है ऐसा कोई सीन जहां पर हीरो हीरोइन से अपने प्यार का इकरार करता है? है ऐसा कोई सीन जहां पर घर वाले विलन बनकर आते हैं? वो दूसरी तरह की कहानी है असमी, और अगर वो करना था तो पहले करना था। ये कहानी एक शादी के बारे में है, राइट? और अगर शादी नहीं होगी तो शो नहीं होगा। एंड दैट्स फाइनल। ओह गॉड। हम लोग इतने झूठे क्यों हैं? जो है ये जिंदगी, हम उसे क्यों नहीं दिखाते? जो है जैसा है ठीक उसका उल्टा दिखाते हैं हम अपनी कहानियों में। भूख गरीबी कुछ भी नहीं होता हमारी दुनिया में। इस लग्जरी कार के एसी में बैठकर सोच रही हो ये सब तुम? जरा बाहर गर्मी में सड़ रहे इन लोगों से पूछो कि क्या चाहते हैं वो। ज्यादा परेशान मत हो असमी, अल्टीमेटली हम सब एक हैं। फिर जुड़े हाँ, हम उन्हें चुनकर पार्लियामेंट में लाते हैं जो हमारी ऐसी तैसी करते हैं। एक हाथ से जब हमें ब्राइब देनी पड़ती है तो हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन दूसरे हाथ से ब्राइब लेते हुए कुछ नहीं सोचते। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक ये देश चलेगा। हम ऐसे ही थे, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। अब पिया की लव स्टोरी का क्या करें? करना तो हमें वही पड़ेगा जो ये लोग चाहते हैं। तो मनोज से बात करो। मनोज को उसकी भतीजी पटा चुकी है, अब तो वो ये कह रहा है कि अगर पिया उस लड़के से सचमुच प्यार करती है तो वो भी उसके साथ। तो फिर तुम्हारा जादू किस दिन काम आएगा अस्मी? क्या तुमने उसकी आंखों में देखा नहीं कि वो तुम पर मर मिटा है? ये आप क्या कह रहे हैं? उसे पटाओ अस्मी,
उसकी भतीजी से ज्यादा पता उसे। अगर उसकी भतीजी जीत गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे।